तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहां कौन सा लैंड से। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना, आपका हंसी रोकने वाला नहीं है। और दोस्तों आज मैं नॉर्थ ईस्ट का ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ, वो कि रातों रात सोशल मीडिया में राज करके बैठा है। जी हाँ दोस्तों, मैं नागालैंड का एक मिनिस्टर का बारे में बात करने वाला हूँ। और दोस्तों ये मिनिस्टर का नाम है तेनजिन इन्ना अलोंग लोंगमा। आप लोगों को ये नाम सुन के पता चल गया होगा, नाम ही इतना लंबा है तो वो इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहले उसका वीडियो क्लिप मैं प्ले करता हूँ, वो देख लीजिएगा। हेलो हाय, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यानी आपका दोस्त नंगते सिंह को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आँख छोटा है, हमारी आँख भी छोटा है मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। छोटे आँख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं। तब हमारा एक बड़ा भाई है यहाँ ड्राइवर, हमारे साथ 14 साल से है, फरीदाबाद में रहते हैं। एक पहले बार उनके गांव में जब गया वो मुझे बोला कि सर हमारे गांव बहुत छोटा है, आप आ रहे बहुत खुश हूं मैं। तो मैं गया, बोला घर कितना है, इस परिवार कितना है पूछा, बोला कि 5,000 परिवार सिर्फ है। 5,000 परिवार में तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं। दोस्तों आप लोग ने देखा तेनजिन इन्ना अलोंग लोंगमा कितना अच्छा से हिंदी बोलता है और लोगों को दिल जीतने वाला बात कहता है। और दोस्तों एक समय था जब ताजमहल में घूमने के लिए गया था तेनजिन इन्ना अलोंग कुमार नागालैंड का मिनिस्टर, तो लोग भारत के उसमें लाइन लगने पड़ते हैं टिकट काटने समय में भी, उसे चाइनीज समझ के चाहे फॉरेन का लोग जहाँ में टिकट काटना पड़ता है वहाँ में लाइन लगा दिया है बोला। तो उस क्लिप को भी आप लोग पहले देखेगा तो समझ जाएगा। तो 99 में ताजमहल देखने गए थे, उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा मुझे दो आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया, मुझे मालूम नहीं था मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहां कौन सा लैंड से। दोस्तों ये तो बहुत ही नाइंसाफी हुआ, लेकिन दोस्तों अभी भी नॉर्थ ईस्ट का बारे में बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन अभी तेनजिन इन्ना अलोंग लोंगमा की वजह से अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत लोगों ने जानना स्टार्ट किया। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों एक नए एक वीडियो साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।